हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीए सेंटर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द हेडलाइन न्यूज आज, जो कि 22 फरवरी 2023 है। इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो 4 से 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें एक काफी दिल छू देने वाला आर्टिकल है। मतलब अगर कोई एक ऐसा इंडिविजुअल अगर कोई आर्टिकल लिखे कि वो न्यूट्रल हो, कोई आइडियोलॉजिकली जो है कि इन्फ्लुएंस ज़्यादा ना हो, एक बैलेंस और रियलिटी बेस्ड पे जो है कि वो अपना एडिटोरियल लिखे, तो उनमें इस समय एक मतलब फार्मर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरिएट रहे हैं, साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो IAS ऑफिसर है। तो उन्होंने आज जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं उस पर लेकर के काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ गया है। और एक कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में एक मतलब सुनवाई चल रही है, याचिका डाली गई थी कि उसमें जो 2019 के बाद जो अभी 17 लोकसभा का इलेक्शन हुआ था 2019 में, तो उसमें जो डिप्टी स्पीकर होते हैं लोकसभा में, उनका अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। आप समझ सकते हो कि 21 साल कुछ बचा हुआ है, क्योंकि अगले साल जो है कि हमें लगता है कि 2024 चलेगा था, वह फरवरी से मार्च में अब तक आचार संहिता मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो कि लग जाएगा, अभी तक नहीं किया गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर जो ऐसी कोई संस्था है जो बिना किसी हेड ऑफ के चल रही है। उन्होंने बड़ा ही ब्यूटीफुल आर्टिकल लिखा। फिर उसके बाद एक प्रिविलेजेस पे लेकर के है। इस समय देखेंगे कि तो जो वाइस प्रेसिडेंट हैं तरह तरह के कमेंट्स देते हैं, तो उनका अभी एक कमेंट्स आया है कि एक जो कि प्रिविलेजेस कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट के इस्टेब्लिश की जाए और उसको जो कि देखे कि जो ब्रीच किए जाते हैं प्रिविलेजेस, उसको जो है कि मॉनिटर करे। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि उसमें क्या प्रोविजन है, कैसे है, हमने कई बार डिस्कशन किया है, उसको कंटिन्यू अपडेट करेंगे। इसके बाद एक और भी इनोवेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हुई है, जो एग्रीकल्चर से फील्ड में जाता है। एक जो वीट होती है, गेहूं होता है, उसका एक वैरायटी डेवलप की गई है ICAR के माध्यम से, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन से। तो उसने ये जो वीट डेवलप किया है, तो उसमें ये मतलब इस तरह का फीचर्स है कि वो मतलब कम समय में और उसके बाद जो है कि काफ़ी रेसिस्टेंस होगा अगेंस्ट, मतलब कि कम वाटर इंटेंसिटी होगा, हाई अगर हीट होती है तो उससे जो कि रिलेट होगा। इसके बाद जो एक नेक्स्ट आर्टिकल है, एक इस पर रिलेटेड ज्योग्राफी से रिलेटेड है, हमारे जो कि मानसून या क्लाइमेटोलॉजी के टॉपिक से रिलेटेड है। अभी आप लोग अगर दिल्ली में होंगे तो रियलाइज करेंगे कि इसी समय मतलब फरवरी अभी चल रही है, मोर देन 30 सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर जो कि इंक्रीज हुआ है। पहले भी डिस्कस किए, इसमें भी कुछ एक नए कंटेंट मिल रहे हैं हमें, तो हम उसको जो कि डिस्कस करेंगे। इसमें 3 से 4 पॉइंट बताया जा रहा है। पहली बात तो हमने डिस्कस किया था कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसकी वीकनेस है, अब इसमें 2 पॉइंट और दिया जा रहा है। दूसरा जो पॉइंट है, जो एंटी साइक्लोन एक्टिविटी जो कि साउथ गुजरात में जनरेट हो गया। फिर इसके बाद जो है कि तीसरा दिया जाए, कुंकड़ एरिया में, जो कुंकड़ क्षेत्र पड़ता है हमारा वेस्टर्न घाट, तो वहाँ पे जो कुंकड़ एरिया पड़ती है वहाँ पे जो है कि सी ब्रिजल जो होता है वो उसका वीकनेस देखने को मिला है। तो ये चीज़ें उस पर बताया। फिर उसके बाद एक और आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो इस समय यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन है, अभी यूक्रेन कीवी में जा अपना सडनली जो कि विजिट किए हैं, तो उस पर ये मतलब आया हुआ है कि इतनी सडनली ये विजिट करते। 2 आर्टिकल है इसमें, टॉपिक तो एक ही है बट 2 आर्टिकल है, एकदम थोड़ा सा होलिस्टिक ओवरव्यू लिए जा रहे हैं। उसमें ये है कि एक सी राजा मोहन सर, वो एशिया सेंट्रिक आर्टिकल्स लिखते हैं, उनका ये कहना है कि इस अनस्टेबिलिटी के टाइम में इंडिया बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर सकता है चाइना के साथ। सबसे पहले उन्होंने ये आर्गूमेंट देते हैं क्योंकि इंडिया 2023 G20 का जो है कि प्रेसिडेंटशिप है, और आने वाले कुछ समय में जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वर्ल्ड के, जो डिप्लोमेट हैं, वो इंडिया में विजिट करेंगे, तो उनसे वो कंसल्ट करके इंडिया एक वर्ल्ड में पीस इस्टेब्लिश करने का लीडरशिप प्ले कर सकता है। इसके बाद एक और आर्टिकल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेल को लेकर के, कि अभी कुछ कोस्टल एरिया में अदर कंट्री में श्रीलंका में देखा गया है जो वेल या डॉल्फिन होती हैं, उनका जो है कि वो मतलब एकदम किनारे पे आएगी, उन कुछ लोग कुछ की डेथ भी हो गई, तो उसके पीछे रीजन क्या तो दिया जा रहा है, जैसे हम कॉमर्शियल जो शिप होती है या फिर
जो सर्विलांस पनडुब्बी वगैरह होती हैं, ठीक है, तो उनकी जो नॉइस होती है उसकी वजह से उन जो वेल या डॉल्फिन है उनकी जो है कि अपना जो कम्युनिकेशन स्किल है या फिर जो कम्युनिकेशन मीडियम होता है वो जो है कि वीक हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो उससे क्या उनका जो फूड प्रेड हैबिटेट है वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है, उसकी वजह से जो कि ये हट रहा है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इंडिया ने अभी सिंगापुर के साथ जो है कि एक मतलब वहाँ की जैसे UPI यहाँ का है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस है, वैसे ही पे करके जो है कि सिंगापुर में उसके बीच एक टाई हुई है कि जो श्रीलंका सॉरी सिंगापुर और इंडिया में लोग रह रहे हैं वो अपना अगर रेमिटेंस सैलरी वगैरह भेजना चाहें तो इसके कनेक्टिविटी के थ्रू जो है कि वो अपना भेज सकते हैं। तो ये काफ़ी एक लैंडमार्क जो कि डिसीजन हुआ है। उसके बाद एक और आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट में अभी ये है कि जो महाराष्ट्र की डिस्प्यूट चल रहा है शिवसेना की पार्टी के बीच में, तो इसमें क्या हुआ है, अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कह दिया कि जो शिंदे का ग्रुप है वही जो रियल शिवसेना का ऑनर है, तो वो शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे थे वो अप्रोच किए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी और उसमें देखा जाएगा कि मतलब क्या है कैसे, ये पहली बार सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, इससे पहले अमेरिका वगैरह में हुई है, होती भी है। तो हम बिना समय मतलब लॉस किए हम अपने आते हैं और जो कि एडिटोरियल और डिस्कशन करते हैं शुरू से। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो हमने पहले डिस्कस किया सिंगापुर को लेकर के, इनके बीच में फंड ट्रांसफर को लेकर के UPI से कॉन्टेक्ट किया, देखिए ये है UPI पे नाउ, UPI आपका इंडिया का है, ठीक है, और पे नाउ जो है कि आपका सिंगापुर का है। तो अभी आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, अगर क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में, अभी ऐसे कौन से कंट्री के बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया UPI और पे नाउ के बीच में जो कि एक लिंक किया है फंड्स को ट्रांसफर करने के लिए, तो वो सिंगापुर है, इधर क्लियर। इसके बाद जो ICAR डेवलप किया है वीट जो कि काफ़ी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हम इसको थोड़ा सा डीप में डिस्कस करेंगे, हम थोड़ा सा बैकग्राउंड लेते हैं आपसे फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अभी क्या है कि जो वीट होती है गेहूं की फसल है वो आपका थोड़ा सा हम उसी पे डिस्कस करते हैं ना, देखिए जो वीट होती है वीट है वो क्या है, वो रबी सीजन है, रबी सीजन है मतलब रबी सीजन मतलब जो विंटर में होता है, मतलब दीपावली या नवंबर में बोल सकते हो इसकी शॉविन होती है, बुआई होती है, और इसका जो फरवरी और मार्च में जो क्या होता है कि इसका कल्टीवेट कर लिया जाता है, और इंडिया टॉप लीडिंग प्रोड्यूसर है, और ये ग्रीन रेवोल्यूशन की एक सबसे बड़ी ग्रीन रेवोल्यूशन की सबसे बड़ा रोल रहा है कि वीट प्रोडक्शन में हम बहुत आगे निकल कर के आए, नहीं तो हम जो कि डिपेंडेंट हुआ करते थे किसी और कंट्री पे। इसके कॉन्टेक्स्ट में ये आया है निकल करके, अभी ICAR ने अपने डेवलप किया है जो वीट है उसको, ये है कि रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस मतलब क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, अगर टेम्परेचर इंक्रीज भी हो जाता है तो वो करेगा। देखिए होता क्या है कि जो हमारी ये वीट होती है इसके लिए ना एक मतलब मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, रेनफॉल जैसे मान लिया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये हमारे गेहूं के वीट के कल्टीवेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो अब इसमें जो चीज़ें बताई जा रही हैं कि जो प्रोडक्शन है या फिर जिससे बेनिफिट होगा, ठीक है, ये बेनिफिट जो भी चीज़ें होंगी इससे वो आने वाले समय में देखा जाएगी क्या होता है कैसे होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखें यहाँ सुप्रीम कोर्ट की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो कि लाइव स्ट्रीमिंग होगी, फिर उसके बाद इंडिया सॉरी US और रसिया के बीच में टसल चल रहा है, तो अभी एक न्यू स्टार्ट ट्रीटी है जो 2010-11 में जो साइन की गई थी, 2010 और 2011 में साइन किया गया था USA और रसिया के बीच में, इसमें था न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के है कि डी न्यूट्रलाइज किया जाए, तो उसमें से जो है कि अभी रसिया अपने आप को वहाँ से निकाल लिया, तो आगे देखते हैं क्या। लेकिन और यहाँ पे एक चीज़ और है, एक सेकंड थोड़ा सा हम इसको इरेज कर लेते हैं, एक सेकंड, ओके। अब क्या है कि इसमें देखिए आप देखेंगे यहाँ पे नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एक ऐसा कॉरिडोर है मतलब कि ये डेवलप किया जा रहा है कनेक्टिविटी के लिए, मैं यहाँ पे तो मैप दिया नहीं, इसे मान ली कि इंडिया इंडिया को कनेक्ट करेगा, वेस्ट एशिया को कनेक्ट करेगा, सेंट्रल एशिया करेगा, फिर उसके बाद ये जो है कि आपका रसिया को करेगा, फिर जो है कि आपका यूरोप को भी कनेक्ट करता है इस पे जो कि ये रसिया काम कर रहा है, तो ये बेसिक हमने जो कि हेडलाइन में डिस्कस किया। फिर इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे देखते हैं, अभी क्या है कि जैसे अभी कुछ दिन से डिस्प्यूट चल रहा था कि जो दिल्ली है, दिल्ली में क्या है जो मेयर होते हैं ना,
मेयर का जो वोटिंग को लेकर के काफी डिस्प्यूट चला था, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया अपना कि नहीं, जो नॉमिनेटेड मेंबर है वो वोटिंग नहीं कर सकते हैं। तो अब जो कि ये वोटिंग का जो प्रोसीजर चल रहा है, तो देखते हैं कि आगे रिजल्ट क्या आता है। तो जब रिजल्ट आ जाएगा तो जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट और बन जाएगा कैसे करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट की ये वर्डिक्ट आई है। वर्डिक्ट ये है कि एंटी डिफेक्शन लॉ और स्पीकर, देखिए क्या होता है, जो हमारे लेजिस्लेचर होते हैं, लेजिस्लेचर जो होते हैं, इनको दो ऑर्गेनाइजेशन जो कि डिस्क्वालीफाई करती हैं, एक प्रेसाइडिंग ऑफिसर का जो होता है और दूसरा जो कि गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट करते हैं विद सपोर्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से थ्रू। हुआ क्या कि जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर होते हैं जो एंटी डिफेक्शन लॉ होता है उसके अंतर्गत करते हैं, और जो प्रेसिडेंट होते हैं और गवर्नर होते हैं और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत और कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन किया गया उसके हिसाब से वो करते हैं। यहाँ पे जो टॉपिक है एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर के, देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ एक ऐसा लॉ है जो हम लाए गए 1985 में 5 फरवरी को लाया गया, ठीक है। इसके पीछे ये रीजन था कि गवर्नमेंट को स्टेबलाइज करना, और अगर कोई लेजिस्लेचर अगर भागता है, मतलब पार्टी छोड़ करके पार्टी लाइन के बियॉन्ड जाता, उसको पनिश किया जाए। ये केस रिलेट है आया आया राम गया राम, मतलब एक व्यक्ति थे जो कि गया राम, तो वो एक दिन में 10-12 बार जो कि पार्टी चेंज किए, तो उसी के नाम पे ये आया, राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी इसने लाई एंटी डिफेंस। तो इसको जो अप्लीकेबल करने की पावर है ना, ये प्रेसाइडिंग जो ऑफिसर्स होते हैं उनको होते हैं। प्रेसाइडिंग ऑफिसर क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए स्पीकर, जैसे अगर लोअर हाउस की आप बात करें तो इसमें लोअर हाउस स्टेट लेजिस असेंबली असेंबली और उसके बाद लोकसभा दोनों आ जाता है। तो इसके होते हैं स्पीकर, स्पीकर होते हैं और एक डिप्टी स्पीकर होते हैं, ठीक है। और जो अपर हाउस होता है, अपर हाउस होता है लोकसभा सॉरी राज्यसभा और उसके बाद स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, इसके जो होते हैं उनको कहा जाता है प्रेसाइडिंग ऑफिसर को, एक चेयरमैन होते हैं, चेयर पर्सन होते हैं और एक डिप्टी चेयर पर्सन होते हैं, ठीक है। तो इनको जो अप्लीकेबल करने का पावर है ये प्रेसाइडिंग ऑफिसर के पास है। अगर मान लीजिए स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर एज ए स्पीकर के रूप में काम करता है, वो करता है। अगर चेयर पर्सन नहीं है तो चेयर पर्सन के रूप में काम करने वाला डिप्टी स्पीकर, डिप्टी चेयर पर्सन वो जो कि काम करेगा। यहीं से हम लिंक अब लेकर के चलेंगे, ठीक है, हम डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ यहीं पर, क्योंकि आगे एक आर्टिकल काफ़ी बड़ा है तो हम वहाँ चलने से पहले, क्योंकि वहां पे जाकर के हमें कोई फायदा ना, हम यहीं पे डिस्कस करते हैं। हम अभी जो कि प्रेसाइडिंग ऑफिसर के बारे में डिस्कस किए, हम लोकसभा की बात कर रहे हैं अभी। लोकसभा जो है कि 2019 में, 2019 में आई, और जब आई तो इसके फर्स्ट मीटिंग से जो है कि इसके प्रेसाइडिंग ऑफिसर का या फिर स्पीकर, स्पीकर का मतलब इलेक्शन कर लेना है, मतलब चुनाव कर लेना चाहिए इनके मेंबर के बीच में से, ठीक है। और इनकी जो डेट ऑफ द अपॉइंटमेंट तो स्पीकर की होती है, डेट डेट वो जो है कि डिसाइड करता है प्रेसिडेंट, इधर क्लियर, प्रेसिडेंट जो कि डिसाइड करेगा कि कब स्पीकर का चुनाव होगा। इसके बाद एक और होते हैं डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, स्पीकर डिप्टी स्पीकर वो होते हैं जब स्पीकर नहीं होते हैं तो उनकी जगह ये काम करते हैं, ठीक है, उनकी जगह ये काम करते हैं, और इनके पास वही पावर होती है जो स्पीकर के पास पावर होती है, ओके। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, अब हम कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, कि तब से लेकर के अब तक 2019 से लेकर के अब 2022 23 चल रहा है और 24 में इलेक्शन, अभी तक जो कि लोकसभा की जो डिप्टी स्पीकर की पोस्ट है वो खाली है, ठीक है। जनरली होता क्या है ये देख लीजिए, जनरली जो स्पीकर, स्पीकर होते हैं और डिप्टी जो स्पीकर होते हैं, स्पीकर वो होते हैं रूलिंग पार्टी से बिलोंग करते हैं, और जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उस समय जो डिप्टी स्पीकर हुआ करते थे वो जो है कि आपका गवर्नर, जो गवर्नमेंट होती थी वहां से होते, लेकिन बाद में इसको ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम ये कह दिया गया लीडर ऑफ अपोजिशन से आएंगे वो चूज करेंगे। लेकिन ये बाइंडिंग नहीं है, ये आर्टिकल में बोला जा रहा है क्लियरली, ये बाइंडिंग नहीं है। अगर नहीं अप्रोच किया जाता तो गवर्नमेंट के पास ये है प्रोविजन कि वो जो है कि अपने मेंबर को लीडर या अपोजिशन के रूप में डिक्लेयर कर सकती है अपने व्यक्ति को। अब आते हैं जो लीडर ऑफ अपोजिशन सॉरी जो ये डिप्टी स्पीकर होते हैं और जो स्पीकर होते हैं, ठीक है। अब इनका इनका क्या है कि इनके पास पावर होती है क्या करने के लिए, ये वर्किंग एंड द फंक्शनिंग ऑफ द
हाउस को रेगुलेट करते हैं। तो इनके पास फुल अथॉरिटी होती है, ये काम करते हैं राइट। इनको इनके वर्क को किसी जुडिशरी में क्रिटिसाइज नहीं किया जाएगा। तो ये हमने आर्टिकल को भी लेकर के डिस्कस कर लिया। अभी क्या है, अब नेक्स्ट आर्टिकल में अभी एक रिपोर्ट आई है ठीक है, ट्रैफिक का और वर्ल्ड वाइल्ड फंड्स का, WWF इंडिया का। इसमें आया गया पिछले 4 सालों में 1200 पेंगुलोनी इनको जो है कि ट्रैफिकिंग के रूप में पाया गया। अब देख सकते हो यहाँ पे इनकी पिक्चर, ये दो तरह की मोस्टली होती है, एक चाइनीज होती हैं ये देख सकते हो, और एक इंडियंस होती हैं। और ये दोनों चाइनीज और इंडियन दोनों जो कि इंडिया में पाई जाती हैं, यहाँ पे नाम दिया गया है। अब मोस्टली ये कह सकते हो कुल मिलाकर के ना, कि जो नॉर्थ इंडिया का स्टेट है वहाँ पे जो कि पेंगुइन वगैरह पाई जाती है, महाराष्ट्र में भी हालांकि कर्नाटक में, मोस्टली आप अनुमान लगा सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली पूरे कंट्री में तो नहीं लेकिन मैक्सिमम स्टेट में पाए जाते हैं। देखिए इनकी पोचिंग होती है, पोचिंग मतलब ये है कि इनको मार दिया जाता है, और इनकी जो बॉडी होती है इसका मल्टीपल पर्पज के लिए यूज होता है। जैसे मान लीजिए कि इनकी मील्स इनके मीट के रूप में यूज करते हैं, जैसे आप मुर्गी चिकन यूज करते हैं फूड के रूप में, वैसे इनको भी यूज किया जाता है कुछ लोगों के द्वारा। इसके बाद मेडिसिन के रूप में भी इनको यूज किया जाता है। और फिर उसके बाद जो इनके एस्केलेटन मतलब जो इनकी खाल है ना, इनकी खाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से क्या, एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, इनके पास ये वैरायटी है, पावर है कि ये अगर कोई बाहरी, इतना हार्ड होता है इनके ऊपर का स्किन ना कि आप कुछ भी कर दीजिए इनको असर नहीं होगा ठीक है। तो इनके पास ये पावर होते हैं, कोई इनके ऊपर अटैक करता है तो ये अपने आप को कवर कर लेते हैं। यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ था ऐसे, विच वन ऑफ फॉलोइंग एनिमल्स प्रोटेक्ट देमसेल्फ बाय देयर स्केलेटन स्केल्स। तो ये चीज़ें रही है, पेंगुइन के बारे में हमने डिस्कस किया। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, एक एक्ट आया हुआ, बिल आई हुई है, अभी फाइनल नहीं बिल बनी हुई है, आगे हम डिस्कस करेंगे अगर ये बिल बन करके निकलेगी तो, मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन को लेकर के है। फिर इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, देखते हैं अभी क्या हुआ टर्की में, जो मतलब वो चल रहा है अर्थक्वेक चला था उसमें इंडियंस आर्मी जो गई थी और काफ़ी लोगों को अच्छा मदद किया और उनकी हेल्प भी की। इसके बाद एक पोर्टल है आपका पीएम ई विद्या, उसमें ये है कि जो स्कूल के बच्चे हैं वो जो कि अपना वहाँ पे प्रोग्राम चलाया जाता है, वो घर पे डीटीएच के थ्रू जो कि 12 घंटे अब क्लास 1 स्टैंडर्ड से लेकर 12 स्टैंडर्ड तक का कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो उसमें ये पूछ देगा पीएम ई विद्या किससे रिलेटेड है इधर के। और यहाँ पे देखिए ये सी राजा मोहन है, इनका इम्पोर्टेंट आर्टिकल होता है बट काफ़ी इनका हाइपोथेटिकल होता है, मतलब काफ़ी फ्यूचर ऑप्टिमिस्टिक होता है, प्रैक्टिकल थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वही कि इंडिया कैसे रोल प्ले कर सकता है वो चीज़ है। फिर इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट का जो कि कॉमेंट्स है, जो प्रिवलेजेस को लेके, जो प्रिवलेजेस हो आर्टिकल 105 में जो हमारे एमपी होते हैं उनके लिए दिया गया है, और जो 122 है जो हमारे एमएलए होते हैं जो एमएलसी हैं उनके लिए प्रिवलेज। प्रिवलेजेस होता है क्या, जैसे मान लीजिए वो पार्लियामेंट्रियन है वो हाउस में है वो कुछ कहते हैं ना तो उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा ठीक है, ये लिया है उनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर के, लेकिन ये इन्होंने किया है प्रिविलेजेस ब्रिचेस कमेटी को, देखते हैं आगे क्या होता है इसका आउटकम आता है। यहाँ पे देखिए पार्लियामेंट डिप्टी मिसिंग की हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, तो थोड़ा सा इसमें एक आर्टिकल्स है अंडर आर्टिकल उसके लिए देखिए आर्टिकल 83 जो कहता है कॉन्स्टिट्यूशन टर्म ऑफ द लोकसभा इज द फर्स्ट मीटिंग, ये जो आर्टिकल 83 है ये कहता है कि जो लोकसभा होती है उसकी ना जो टेन्योर होता है टाइमिंग मतलब जो वर्किंग होती है मतलब कितने सालों तक रहेगी वो तब से जब से फर्स्ट मीटिंग अरेंज होगी उससे लेकर के अगले 5 साल में जो डे होगा वहां तक लास्ट मीटिंग होगी। फिर उसके बाद आर्टिकल 93 ये क्या कहता है हाउस अफेक्ट इलेक्शन टू प्रेसाइडिंग, 93 आर्टिकल ये कहता है कि आप प्रेसाइडिंग ऑफिसर को, सॉरी हम थोड़ा सा इसको कलर चेंज कर लेते हैं ना तो बेटर आएगा ठीक है, ये कहते हैं जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनकी जो है कि अपॉइंटमेंट होगी। प्रेसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा में जैसे कि स्पीकर हो गया और डिप्टी स्पीकर हो गया, इनको लेकर के है ठीक है। फिर उसके बाद दो और आर्टिकल आगे आएंगे, हाँ 95 है आर्टिकल, 95 आर्टिकल ये कहता है कॉन्स्टिट्यूट डिप्टी स्पीकर, ये डिप्टी स्पीकर के बारे में कहता है और इनको करना चाहिए। तो ये डिस्कशन था। फिर इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट अपने आर्टिकल पे, क्या है इंपॉर्टेंट हमारे लिए। हाँ यहाँ पे हुआ क्या है कि अभी कुछ एरिया में बोल सकते हो आप श्रीलंका में जिसको कालपिटिया, कालपिटिया एक कोस्टल एरिया, वहाँ पे जो है कि स्टोर्डिंग हुई है। स्टोर्डिंग का मतलब क्या, स्ट्रेंडिंग, स्ट्रेंडिंग है स्टोर्डिंग नहीं, स्ट्रेंडिंग है
मतलब ये है कि कुछ जैसे यहाँ पे देख सकते हो वेल है, मतलब ये आप बोल सकते हो कि क्विंटल टन्स के आसपास की होती है इनकी वेटेज साइज, ये जो कि आ गई यहाँ पे। अब इसका स्ट्रैंडिंग का मतलब ये है कि ऐसी मतलब लिविंग मतलब जिंदा कुछ एनिमल्स या डॉल्फिन या वेल जो कि एकदम लैंड एरिया पे आ जाए, जो कोस्टल एरिया है ओशन का, डेथ नहीं हुई है लेकिन बाद में डेथ हो जाए। और ये जो पिक्चर दिखा रहा है ये 2016 में तमिलनाडु के केस में हुआ था, लेकिन अभी जो कि तमिलनाडु, तो इसको लेकर के इसके पीछे रीजन जो दिया जा रहा है ना, बहुत जैसे क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, कॉमर्शियल जो शिपिंग होती है उनका है कि भाई जैसे जाते थे हॉर्न में जाते, फिर उसके बाद जो हमारी जासूस पनडुब्बी होती है उनकी नॉइज जो सोनार यूज करते हैं उसकी वजह से ये सारी चीज़ें इनको थ्रेट्स पहुंचा रहे हैं। फिर उसके बाद देखिए एक और इनोवेशन आया हुआ है, क्या बोलते हैं इनोवेशन है सुप्रीम कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर के। और ये अभी एक नया है कि स्पेन में क्या हुआ है ना, पीरियड लीव दिया गया, मतलब ये है कि इस पीरियड लीव का मतलब ये है जैसे फीमेल होती है जब वुमेन बोल सकते हो, तो इनमें क्या है कि इनकी हर महीने जो कि मैस्चुरेशन होता है जो उनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को मतलब प्रॉपर फंक्शन करने के लिए हेल्प करता है, तो उस समय इनको बहुत से पेन होते हैं और इनको प्रॉब्लम्स होती है फिजिकली, ठीक है, तो उस पीरियड में ये अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं अगर ये ऑफिस वगैरह में जॉब को अगर करती हैं तो इस वजह से ये कहा जा रहा है कि कम से कम 3-4 दिन जो है कि इनको उस पीरियड में विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन मंथ में, क्योंकि इनका भी ये नहीं होता है कि मतलब फिक्स्ड टाइम डेट ऐसा कुछ हो, और वो जो प्रॉपर साइकिल पूरा होता है तो वो आता है, तो बिना इन्फॉर्म किए जो कि वो अपने आप को लीव ले सकती हैं इस चीज़ को। हर कंट्री जापान इंडोनेशिया जैसे कुछ कंट्री अपने की हैं और इंडिया में भी है, लेकिन वैसा कोई बिल पास नहीं हुआ है। फिर उसके बाद फरवरी हीट वेव को हीट को लेकर के है, इसमें ये तीन आर्गूमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंटली दे रहे हैं, पहला बात वेस्टर्न डिस्टरबेंस को लेकर के, एंटी साइक्लोन को लेकर के और सी ब्रिजल को लेकर के। वेस्टर्न डिस्टरबेंस तो वो है जो हमारा बोल सकते हो कि दिसंबर जनवरी फरवरी में होता है, और मेडिटेरियन सी से हवा आती है, विंड्स आती है वहाँ से मॉइस्चर लेकर के, और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो है कि रेनफॉल करवाती है, ये चीज़ें। और ये तब होता है ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन की वजह से होता है, जो हमारा जनवरी फरवरी में रेनफॉल होता है ये तो होता है वो वेस्टर्न डिस्टरबेंस होता है, और यही रीजन है कि इस साल नहीं देखा गया और जो है कि इसमें गर्मी ज़्यादा है। दूसरी चीज़ एंटी साइक्लोन, एंटी साइक्लोन वो होता है साइक्लोन के बाद जब एक नॉर्मल कंडीशन जनरेट होता है, अगर साइक्लोन होता है तो गुजरात से हवा ले करके ठंडी आता और जो है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया को काफ़ी जो कि कूल मतलब कूलिंग प्रोवाइड करता। और जो सी ब्रिजल है जो कोंकण कोन कन का हम यहाँ पे थोड़ा सा वो बता देते हैं आपको लेकर के, कोंकण एरिया क्या है, अब ये इंडिया है तो ये जो पूरा वेस्टर्न घाट है आपका, ये पूरा वेस्टर्न घाट, तो इसका जो महाराष्ट्र गोवा वाला पार्ट पड़ता है ना इसको कोंकण एरिया बोलते हैं। तो यहाँ पे जो सी ब्रिजल होती है, सी ब्रिजल का मतलब कि ये लैंड है, मान लीजिए थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं कलर, अभी बताते हैं, मान लीजिए ये जो लैंड है, ठीक है, ये लैंड है और सी से जो कि हाई यहाँ पे आ रही है तो इसको सी ब्रिजल बोलते हैं, लेकिन जब लैंड से सी की तरफ जाए तो इसको जो है कि लैंड ब्रिजल बोलते हैं, ब्रिजल मतलब हवा बोल सकते हो, लैंड से जब हवा जो है कि ओशन में जाती है इसको तो लैंड ब्रिजल बोलते हैं, और ओशन से जब लैंड पे जाती है तो उसको जो भी बोलते हैं। तो इन तीन रीजन मेजर है। उसके बाद ये भी था कि ये जो लालिना प्रोसीजर है ओशन, हमने कई बार डिस्कस किया, ये भी इसका इन्फ्लुएंस रहा, इस वजह से ये दिक्कत आई है कि टेम्परेचर काफ़ी इंक्रीज हो गया है, तो ये बेसिक चीज़ है। फिर उसके बाद अभी देखिए फाइनेंस मिनिस्ट्री और RBI के बीच में डिस्कशन है क्रिप्टो करेंसी को लेकर के। क्रिप्टो क्या है, एक डिजिटल डिजिटल डिसेंट्रलाइज टाइप की एक जो कि प्रोसीजर, ये डिजिटल करेंसी वर्चुअल करेंसी आप कर सकते हैं। फिर उसका एक सेबी मूल्य स्टॉक होल्डर तो नोट अब्रोड डायरेक्टली, सेबी क्या है, ये 1993 में एक स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब बनी एक एक्ट के थ्रू, इसका काम ये है जो शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट जो कैपिटल मार्केट है उसको जो कि रेगुलेट करती है, रेगुलरिटी ना हो। फिर उसके बाद इंड रा जो कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को जो कि प्रिडिक्ट किया 5.9%, इधर क्लियर। तो ये हमने आज के डिस्कशन में इतना ही रहा दोस्तों, और जो कि 22 फरवरी का, तो जो भी डाउट्स होगा आप जो कि नो डाउट्स कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।